और आइए शुरुआत करेंगे 75 खबर यूपी कवर की। उत्तर प्रदेश की कोई भी खबर छूटने नहीं वाली है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, और पहली खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से ही है। जाहिर है अयोध्या में शुरू हुआ बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। यूपी चुनाव में बीएसपी की ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश। सतीश चंद्र मिश्रा टीवी 9 भारतवर्ष से बोले, ब्राह्मणों की प्रदेश में अनदेखी हो रही है। ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी का पलटवार, का आज अयोध्या में जाना मायावती को पसंद नहीं, आज वोटों के लिए वहां कार्यक्रम कर रही हैं। कांग्रेस का मायावती से सवाल, यूपी में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार पर क्यों चुप रही मायावती, कहा ब्राह्मण समाज कांग्रेस के ही साथ रहेगा। यूपी के विकास पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, कहा प्रदेश को बीजेपी ने बर्बाद किया, चुनाव में जनता जवाब देगी। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा, 50 करोड़ की लागत से बनने वाले सैनिक स्कूल का करेंगे शिलान्यास। यूपी के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 7 आईपीएस का तबादला, गाजियाबाद में 21 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। आगरा से दिल दहला देने वाली खबर, लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बाइक से आए युवक ने बाइक से पेट्रोल निकालकर खुद पर लगाई आग, मथुरा से आया था युवक। बरेली के भाई बहन ने महाराष्ट्र में जाकर लोगों से करोड़ों की ठगी की, महाराष्ट्र पुलिस की मदद से दोनों बरेली से गिरफ्तार। आगरा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, मणपुरम गोल्ड डकैती में शामिल बदमाश के पैर में लगी गोली, 1 किलो सोना बरामद। मेरठ के खूंखार अपराधी उधम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद। आगरा पुलिस स्टेशन में डॉक्टर उमाकांत की किडनैपिंग के आरोपी का सरेंडर, 5 करोड़ की फिरौती मांगने का प्लान था। गाजीपुर में मिड डे मील का अनाज बेचने का वीडियो सामने आया, डीएम ने जांच के आदेश दिए। आगरा के कूचा साधुराम इलाके में एक महिला और उसके 3 बच्चों की गला रेत कर हत्या, 2 साल पहले पति से हो गया था तलाक, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में दलित युवक की जबरन कटवाई गई दाढ़ी, मूछ, इलाके में तनाव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गोंडा में जाम में फंसे मरीज को एसपी की गाड़ी से पहुंचाया गया अस्पताल, मरीज की बच गई जान, सोशल मीडिया पर एसपी को सराहा गया। गोरखपुर विकास भवन में सीबीआई की छापेमारी, पीएनबी बैंक में डमी अकाउंट खोल, 5 करोड़ का घोटाला, जांच शुरू की गई। बिजनौर में बाइक चोरी गैंग का खुलासा, पब्लिक प्लेस पर मास्टर चाबी से करते थे बाइक चोरी, 10 बाइक बरामद। शाहजहांपुर में बेटे के हत्यारों को पकड़ने की पिता की गुहार, पुलिस वालों की बेरुखी के चलते थाने पर सिर पटक कर खुद को घायल किया, वीडियो वायरल। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सिद्धार्थनगर का दौरा, 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ, पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। 30 जुलाई को एटा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से तैयार किया गया। 30 जुलाई को प्रतापगढ़ को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, 213 करोड़ की लागत से 2 साल में बनकर होगा तैयार। यूपी के हजारों शिक्षकों के लिए खुशखबरी, आज सीएम योगी करीब 6,500 टीचर्स को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने का किया ऐलान, सरकार बनाने का किया दावा। 1 अगस्त को मिर्जापुर का दौरा कर सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, विंध्याचल कॉरिडोर की करेंगे शुरुआत, मिर्जापुर में गंगा घाट से मंदिर जाने वाले रास्ते का विस्तार होगा। बीजेपी मठ मंदिरों से आज मिशन 2022 की करेगी शुरुआत, 1.5 महीने के प्रचार अभियान में साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे बीजेपी नेता। आज सहारनपुर में विकास योजनाओं का खुलेगा पिटारा, 288 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला, ममता बनर्जी को बताया केंद्र में विपक्ष का चेहरा, कहा जल्द फूट जाएगा बीजेपी के पाप का घड़ा। मायावती सरकार में हुए स्मारक घोटाले को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ, 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था ये। 26 साल पहले हुए हत्याकांड में अमेठी के बीजेपी नेता जंग बहादुर सिंह को उम्र कैद की सजा, कोर्ट के फैसले के बाद भेजा गया जेल। 4 चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर झांसी में खून से खत लिखेंगे बुंदेले, अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर पीएम को लिखेंगे पत्र। बस्ती से बीजेपी विधायक अजय सिंह के पैतृक गांव में आयकर विभाग का छापा, गांव में पुलिस का पहरा।
संभल में यूपी अनुसूचित जाति जनजाति की सदस्य साध्वी गीता प्रधान का विवादित बयान, बीजेपी के कार्यों का विरोध करने वालों को देशद्रोही बताया। इटावा सफारी पार्क में 5 लाख रुपए के टिकट बिक्री में घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने सीएम योगी से जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिले यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, लखनऊ पीजीआई जाकर हालचाल जाना। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई मामले में एक्शन में पुलिस, एक और आरोपी गिरफ्तार। नेपाल के धनगढ़ी में भारतीय नकली नोटों की तस्करी, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गाजीपुर में टला बड़ा हादसा, कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बटी सारनाथ एक्सप्रेस, छपरा से दुर्ग जा रही थी ट्रेन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बिहार से दिल्ली जा रही बस डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, कई घायल। रामपुर में दिन दहाड़े भारतीय स्टेट बैंक में 20 लाख की चोरी, एटीएम में डालने के लिए रखे गए कैश को 3 मिनट में लेकर रफू चक्कर हुए चोर, सीसीटीवी में दिखा आरोपी। औद्योगिक नगरी हमीरपुर में 250 करोड़ की लागत से लगेगा रासायनिक कीटनाशक कारखाना, 1500 लोगों को रोजगार मिल पाएगा, 5 साल में कारखाना शुरू होगा। यूपी में प्रदूषण फैलाने वाले मॉडिफाइड वाहनों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, तेज आवाज और वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को तत्काल प्रतिबंधित करने के आदेश। 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर ग्राम पंचायत में बनेगा ग्राम सचिवालय, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, 24 घंटे में 52 नए केस, 4 लोगों की मौत। गाजीपुर में वैक्सीनेशन अभियान को मिलेगी गति, जिले को वैक्सीन की 22,000 डोज मिली, लोगों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। श्रावस्ती जिले में रंगलाई सरकार की कोशिश, कोरोना से पूरी तरह मुक्त हुआ जिला, जगह जगह बनाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। भदोही में गुरुवार को 19 केंद्रों पर 4,525 लोगों को टीका लगा, राज्य सरकार की ओर से टीकाकरण के लिए 4,100 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था। हमीरपुर में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी, सिर्फ 13 केंद्रों पर ही दी गई वैक्सीन, 2,698 लोगों को ही लगाई गई वैक्सीन। आज ही कानपुर में बनाया स्वासा ऑक्सी राइज, मरीज के शरीर में बढ़ाएगा ऑक्सीजन लेवल, पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर को कहीं भी पहुंचाना होगा आसान। मथुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मंजिला मकान गिर गया, हादसे में किसी की मौत नहीं, मकान में दरार देखकर लोग भागे। मुरादाबाद में बाढ़ से बिगड़े हालात, जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए लोग, सैलाब में पानी पानी हुए खेत खलिहान। उन्नाव के बारा सगवर इलाके में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, आरोपी पत्नी को पकड़ा, प्रेमी की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में मिलावटी शराब की अवैध बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, खागा कोतवाली की सरकारी शराब की दुकान से नकली शराब बरामद, 2 आरोपियों को जेल भेजा। चित्रकूट में डाकू गौरी गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, तमंचा और कारतूस बरामद, दोनों बदमाशों पर 10 मामले दर्ज। फिरोजाबाद में बंद पड़े चूड़ी कारखाने में शुरू हुआ कामकाज, डीएम की दखल के बाद 20 दिन से जारी मजदूरों की हड़ताल खत्म हुई। चंदौली के राजदरी वाटरफॉल में मिला युवक का शव, नहाते समय गहरे कुंड में गिरा था युवक, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुरादाबाद में गगन नदी पूरे उफान पर है, खेतों में जाने के लिए बनाया गया पुल पानी में डूब गया, पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। कानपुर में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, बीते 1 हफ्ते से जारी है बारिश का सिलसिला। आजमगढ़ में फिर से उफान पर आई सरयू नदी, कई गांवों में पानी पहुंचा। बदायूं में उफान पर गंगा, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का स्तर। गोंडा में तेजी से बढ़ा घाघरा नदी का जलस्तर। बैराज में 15 गांव में बाढ़ का खतरा, 3 बैराजों से छोड़े गए पानी से घाघरा में बढ़ा जलस्तर। ललितपुर में उफनती नदी की चपेट में आया ऑटो, ऑटो ड्राइवर और साथ में बैठे यात्री ने पानी से निकलकर अपनी जान बचाई। भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस वसूली का वीडियो बनाने पर गैंगस्टर रैक में फंसाने की साजिश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पीलीभीत में पति पर पत्नी ने लगाया वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप, कहा विरोध करने पर महिलाओं से पिटवाता था। शाजापुर में तमंचे के साथ वीडियो अपलोड करने पर पुलिस का एक्शन, युवक को गिरफ्तार किया।